नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति IAS YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GPS एंकलेट के बारे में। आप सभी को ये बात याद होगी कि मैंने आपको बताया था चीतों के बारे में, तो उस दौरान ये डिस्कस किया था कि चीतों की मृत्यु का जो मुख्य कारण माना जा रहा है वह माना जा रहा है GPS ट्रैकर को। उनके गले में एक कॉलर होता है जो उनकी लोकेशन, उनकी गतिविधियों के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो एक इसी प्रकार का मामला भी चर्चाओं में आया है, GPS एंकलेट। तो कारण क्या है, तो देखिए, हमारे न्यायालय ने एक कैदी जिसका नाम है गुलाम मोहम्मद भट्ट, कश्मीर का मामला है, तो भट्ट साहब के लिए इजाजत दी है कि भाई इनको ट्रैक किया जाए। ट्रैक कैसे करना है, एक GPS एंकलेट के माध्यम से करना है, क्योंकि यह व्यक्ति UAPA के तहत पहले ही पकड़े गए थे, तो इसलिए इनको जमानत पर रिहा तो कर दे रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद इनकी एक एक गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है और यह देखना जरूरी है कि क्या आने वाले समय में यह भारत के लिए खतरा बनेंगे। तो वह जो एंकलेट है, वह एंकलेट अब इनकी बॉडी के साथ में जोड़ दिया गया है, जो इनकी पल पल की मूवमेंट जो भी रहेगी, इनकी जो लोकेशन रहेगी, उसकी सूचना लगातार पुलिस प्रशासन को देता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, हमारे पैरों में इस GPS को इस प्रकार से लगाया जा सकता है। इस GPS की खास बात क्या क्या है और किस मामले में यह महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाले समय में भारत क्या देखता है, इससे जुड़े हुए मामलों को हर एक बात समझेंगे। हालांकि उससे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, वह प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का होगा आपके सामने, और आपसे पूछा जा सकता है मेंस के अंदर कि किस प्रकार से हम तकनीकों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बना सकते हैं, तो आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसका आंसर जानते हैं बहुत अच्छी बात है, आंसर कॉमेंट कर दीजिए। नहीं जानते, अंत तक बने रहिए, हर एक बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, एंकलेट जो यह रहने वाला है, यह पूरी तरह से GPS से सुसज्जित है, यानी कि आपको GPS के माध्यम से हर एक जानकारी यह देगा। बहुत छोटा सा है, आप इसको कहीं भी पहन सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको पैर पे पहन सकते हैं या फिर आप इसको अपने आर्म्स पे भी पहन सकते हैं, वहाँ पर भी यह पूरी तरह से काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर इसको कहीं पर पहना दिया जाए तो उसके बाद इसको रिमूव नहीं कर सकते या पूरी तरह से यह बॉडी जुड़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम मूव करते हैं तो हमारे ये आर्म्स जो होते हैं, या इसको हम लोग बाइसेप्स कहते हैं ना, हमारे बाइसेप्स का जो यह शेप होता है, यह घटता बढ़ता रहता है, तो यह फिसल सकता है। तो इसीलिए इसको पैरों में ही जनरली टाई किया जाता है, ताकि आप छेड़छाड़ करें तो ना यह ऊपर जाए और ना ही यह नीचे जाए। यहाँ से क्लियर है बात सारी, तो ठीक, इसी प्रकार से यह काम करेगा। यह आपके सटीक स्थान की जानकारी पुलिस प्रशासन को देगा और पूरी तरह से यह छेड़छाड़ रोधी है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर यह पहना दिया जाए उसके बाद ना तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी बात यहाँ पर देखने वाली यह भी है कि आप इसको अपनी मर्जी से उतार नहीं सकते। इसका एक प्रॉपर सिक्योरिटी लॉक सिस्टम होता है, उसी के माध्यम से रिमूव किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसके साथ छेड़छाड़ करेगा या इसको हटाने की कोशिश करेगा तो उसमें अलार्म बज जाएगा। वहीं अगर आप यह चाहते हैं कि इसमें अलार्म ना बजे, छेड़छाड़ ना करें, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि व्यक्ति का पैर काटा जाए और उसके बाद इसको रिमूव किया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के बाद ही इसको हटाया जा सकता है, इसके अलावा इसको नहीं हटाया जा सकता। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इसको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार किया गया है, ताकि कोई यदि ऐसा अपराधी है जिसकी पल पल की नज़र रखना ज़रूरी है, या जिसके लिए संभावना है कि आप आने वाले समय में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को ट्रैक इसके माध्यम से किया जा सकता है। आपकी पूरी लोकेशन चेक की जाएगी, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो आपकी लोकेशन के माध्यम से यह पता लग जाएगा कि आप किस किस से बातचीत में हैं, सिर्फ सीमा के अंदर हैं, सीमा के पार भी आपकी बातचीत चल रही है, या आपके मेन पॉइंट जो बने हुए हैं वह मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। जैसे कि आप सभी लोग अगर मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो मुखर्जी नगर में रहने वाले हर एक एस्पिरेंट की एक चाय की टपरी होती है, जहां वह अधिकांश समय पाया जाता है, या उसकी लाइब्रेरी जहां वह अधिकांश समय पाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो ये असामाजिक तत्व होते हैं या गैर कानूनी गतिविधियाँ करते हैं, इनके भी कुछ प्रॉपर अड्डे होते हैं जहाँ ये अधिक समय बिताना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपकी रियल टाइम ट्रैकिंग यह करेगा और आपकी गतिविधियों पर नज़र रखेगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले इसको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा तैयार किया गया था, इसका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वहाँ इसको तैयार किया गया था, उसके बाद दुनिया में अलग अलग जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अगर हम आज के समय में भारत की स्थिति समझे, तो देखिए, भारत पहली बात तो लोकतांत्रिक है और मानवाधिकार वाला देश है और आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी वजह से भारत में इसकी बहुत अधिक आलोचना की जाती है। पहली बात तो भारत में इसके लिए कोई पर्टिकुलर कानून नहीं बनाया गया है, वहीं उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पहला ऐसा मामला सामने आया जहां हमने GPS एंकलेट को किसी कैदी के साथ जोड़ा है।
तो एक नई बात है हम लोग के लिए। तो उसी नई बात के साथ साथ इसकी आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि जो मानवाधिकार संगठन है वो कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। वह व्यक्ति किसी को जान से मार दे, देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे, कहीं पर बॉम्ब प्लांट कर दे, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अच्छा है, लेकिन हमारे जो मानवाधिकार संगठन होते हैं वह मानते हैं कि उस व्यक्ति के अधिकारों का कभी भी हनन नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे संगठन हैं हमारे देश के अंदर या दुनिया में भी हम देखते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए व्यक्ति चाहे आतंकवादी गतिविधियों वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी निजता भी बरकरार रहनी चाहिए, और जो जीवन के अधिकार उसको मिले हुए हैं उन्हीं अधिकारों में मानव गरिमा का अधिकार भी मिला हुआ है, तो देखिए इसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को लेकर के आलोचना कर रहे हैं, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, ज़रूरी है कि प्रशासन संभाला जाए ठीक प्रकार से। तो किस प्रकार से यह कार्य करता है, तो देखिए जो यह GPS ट्रैकर होता है मूल रूप से यूज़ करता है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स को, जो वे सैटेलाइट होते हैं, तो वे सैटेलाइट इस GPS ट्रैकर की लोकेशन को ट्रैक करते हैं कि व्यक्ति कहाँ मूव कर रहा है। तो वहाँ से डाटा लेने के बाद सैटेलाइट के पास जाता है, सैटेलाइट फिर सीधा जो ग्राउंड पर रिसीवर्स होते हैं उन रिसीवर्स के पास में डाटा भेज देते हैं। अब ये रिसीवर क्या हो सकता है, तो देखिए रिसीवर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सेटअप लगाना हो, आपके मोबाइल फ़ोन्स में हो सकता है, जैसे कि घर घर में आप देखते हैं ना CCTV वगैरह लगते हैं, तो मोबाइल में खोल लिया, कंप्यूटर में खोल लिया, लैपटॉप में खोल लिया, ठीक उसी प्रकार से आप इन सभी गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से। क्लियर है बात सारी, तो ठीक इसी प्रकार से यह GPS ट्रैकर काम करता है, ठीक है। अगर UK में हम लोग स्थिति देखें तो हमें पता लगता है कि यहाँ एक स्पेसिफिक कानून बनाया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आतंकवाद रोकथाम और जांच उपाय अधिनियम। इसको 2011 में तैयार किया गया था। यह जो अधिनियम है यह ब्रिटेन की न्यायपालिका को या सरकार को यह अनुमति देता है कि आप इस प्रकार के जो ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं उनको कैदियों के साथ जोड़ सकते हैं, कब, जब उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए उस स्थिति में। यदि कोई व्यक्ति यदि बाइज्जत बरी होता है तो उस स्थिति में नहीं किया जाएगा ये सब कुछ उसके साथ में। यदि आप दोषी हैं उसके बावजूद संभावनाएँ बढ़ जाती हैं कि आप कुछ गलत काम करेंगे, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले USA में तैयार हुआ था, UK में भी है, मलेशिया में भी अनेक कानूनों में अमेंडमेंट किया गया है या नए कानून बनाए गए हैं जिसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाना संभव है। क्लियर है बात सारी सारी। तो अगर यह जो पूरा एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छे से कामयाब होता है तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में हमारी कानूनी व्यवस्था कोई है बदल सकता है। वहीं हम देख रहे हैं कि जेल में बहुत सारे कैदी हो गए, तो जिन कैदियों को बाहर छोड़े जाने की संभावना है वहाँ उनके साथ हम इस ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अधिक महंगा नहीं होता, और उनकी गतिविधियों को जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, और यदि 1-1.5 साल 2 साल 3 साल तक हम ट्रैक करते हैं तो चीज़ें पता भी लग जाएगी कि व्यक्ति किससे मिल रहा है, जुल रहा है वगैरह वगैरह। तो जेल के बाहर या फिर किसी प्रशासनिक व्यक्ति के अलावा भी हम इस प्रकार के लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे। तकनीक होगा, यदि अच्छा प्रयोग हो तो अच्छी बात है, बट गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत प्रयोग ज़्यादा हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। खैर, प्री का जो प्रश्न आपको दिखाया गया था एक इस प्रकार का प्रश्न था, अब आप लोग जान गए हैं इसका आंसर क्या है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्लियर है, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, और ऐसे ही पढ़ते समझते हुए लगातार आगे बढ़ते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग पसंद कर रहे होंगे, और आप यदि चाहें आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाकी साथी तक ज़रूर शेयर करें, और लाइक के बिना नहीं जाएगा। हालांकि इस प्रश्न का आंसर आपको चाहिए होगा तो देखिए वह आपकी स्क्रीन पर है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए विषयों के साथ, और ऐसे ही पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पर तब तक के लिए विदा दीजिए, थैंक यू सो मच।